इसमें ऑप्शन नहीं लिखोगे बेटा, सर्कल स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू हैं छोटे छोटे से, सारे बच्चे पहला सवाल लिखेंगे, कोई ऑप्शन नहीं लिखेगा, ठीक है बेटा? ये मोबाइल अंदर करो, बैग में सीधा, नहीं, बैग में डालो ना, कॉल आ कैसे जा रहा तुम्हारे पास में, बैग में डालो सीधा। पहला क्वेश्चन लिखो, कोई डिस्कस नहीं करेंगे आपस में, ट्राई करो, देखो क्या आंसर निकालते हो, फिर मैं बताऊंगा। करो अच्छे से। अच्छा क्या आंसर आया बताओ। चलो जिन एक बार डायग्राम दिखाओ सारे बच्चे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है, AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, ठीक है? तुम बेटा लेट क्यों आए? चलो चलो जल्दी चलो ना, ये टाइम थोड़ी नहीं नोटबुक लेने का। अच्छा सुनो बेटा, सबसे पहले ये कहता है AD इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने एक बेटा सर्कल बनाया और एक मैंने AD इसका डायमीटर बना दिया। AD बेटा मैंने एक डायमीटर बना दिया जिसका सेंटर है O। AB इज अ कॉर्ड, AB एक कॉर्ड है, AB कॉर्ड है बेटा, मैं AB ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, कोई किसी को दिक्कत हो तो बताओ। मैंने AB ऐसे ड्रॉ कर दिया, कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड मतलब डायमीटर से तो थोड़ा सा छोटा ही होगा, ठीक है? किसको बताना है? बता दो जल्दी बता दो, ठीक है? इसके बाद में बेटा AD तुम्हारे पास अगर 34 है, AD 34 है, तो मेरे को कोई बच्चा बताएगा A से O कितना होगा? वेरी गुड, 17 होगा। ये 17 होगा क्योंकि रेडियस डायमीटर की आधी होती है। AB 30 है, मैंने इसको टोटल, ये टोटल लेंथ बेटा 30 है। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, ये कहना क्या चाहता है? कहता डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल से डिस्टेंस AB का बताना है। जब भी बेटा किसी की डिस्टेंस बताई जाती है तो हमेशा याद रखना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताई जाती है। कौन सी? इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? तो तुम कहोगे सर ये जो डिस्टेंस होगी, ये जो डिस्टेंस होगी जो इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे वो बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। होगी कि नहीं होगी? अच्छा अब एक काम करते हैं, ये मैंने जो पॉइंट लिया है, चलो इसको थोड़ी देर के लिए मैं पी पॉइंट ले ले रहा हूँ, ठीक है? सारे बच्चों को मैंने एक थ्योरम बताई थी। क्या थ्योरम बताई थी? ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB। मैंने क्या किया बेटा, मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर से चाहिए था, तो मैंने इस AB कॉर्ड पे सेंटर से लेके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से जब तुम परपेंडिकुलर डालते हो तो वो कॉर्ड को कैसे कर देता है? दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है, करता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो AP होगा वो इक्वल टू होगा PB के, और ये दोनों की लेंथ कितनी कितनी बन जाएगी जल्दी बताओ बेटा। टोटल कितनी थी लेंथ? ये टोटल बेटा 30 थी, तो ये कितनी बन गई? 15। ये कितनी बन गई? 15। इतना समझ में आया? अब फिर से वही कहानी यार, ये 15 है, ये 17 है और एक 90 है, तो ये PAO कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। जब भी तुम्हें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे तो दिमाग में कौन से आना चाहिए? पाइथागोरस थ्योरम। बेटा 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है ना, तो बस पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर ऐसे लिख लो अच्छे से, इन ट्रायंगल PAO, AO का स्क्वायर इक्वल टू AP का स्क्वायर प्लस PO का स्क्वायर। AO कितना है? 17। AP कितना है? 15। सेवनटीन का स्क्वायर होता है 289, 15 का स्क्वायर होता है बच्चा 225 प्लस PO स्क्वायर। 225 इधर लेके आएंगे, कितनी वैल्यू आ गई? 64 आई ना। अच्छा यहाँ से बेटा PO निकालना, वैसे प्लस माइनस 8 आता है लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि लेंथ कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है बच्चा? चलो तो तुम्हें समझ में आया। अब तुम दो चीज़ें समझे यहाँ से, एक तो ये कभी भी डिस्टेंस पूछी जाती है तो डिस्टेंस हमेशा कौन सी निकालनी होती है? शॉर्टेस्ट। एक बच्ची कोई डायग्राम बना रही थी, शायद अग्रिमा बना रही थी, पता नहीं कौन, किसी बच्चे ने डायग्राम बनाया शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेके यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर दिया था, है ना? कोई ज़रूरत नहीं है ना,
किसी ने बनाया था, कोई जरूरत नहीं है। हाँ तुमने बनाया था, कोई जरूरत नहीं, हमें तो क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब इसमें तो कौन सी थ्योरम लग गई कि सेंटर से जब भी तुम कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हो तो उस कॉर्ड को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, मतलब बाइसेक्ट कर देता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर देता है। सारे बच्चे जल्दी से करो, तो कौन सा आंसर है बेटा? डी पार्ट इज द करेक्ट आंसर है। जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं। ये वाला सवाल पूरी क्लास में कितने बच्चों ने किया था हाथ उठाना? अब तो कुछ ज्यादा हाथ नहीं उठ गए, पहले कितने बच्चों का आंसर आ गया था आंसर? ठीक है, नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन लिखो, छोटा सा डायग्राम है, जल्दी आंसर करो, जल्दी करो बेटा। आंसर आ गया। अच्छा, जिन बच्चों का नहीं आया वो ध्यान से सुनना। गिवन क्या था? ये कहता है कि ओ ए इक्वल टू तुम्हारे पास 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। ओ से ए की डिस्टेंस बेटा, ओ से ए तुम्हारा 5 सेंटीमीटर गिवन है। कहता है ओ डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ए बी है इस पर ओ डी अगर बेटा तुमने परपेंडिकुलर, अच्छा डी यहाँ होना चाहिए था ना बेटा, है ना, चलो डी यहाँ माना, जो भी है परपेंडिकुलर है तो ये परपेंडिकुलर हो गया। आगे देखो, सी डी इज इक्वल टू, तुमसे सी से डी पूछा है कितना होगा, सी डी कितना होगा? यार एक बात बताओ, कुछ ज्यादा आसान सवाल नहीं है, ध्यान से सुनना बेटा। ए बी कितना है? अगर ए बी एट एट है, ए बी अगर एट है तो ओ डी इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है। किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं बेटा, लिख मत ना, टाइम मिलेगा ना लिखने का, क्यों लिख रही पागल की तरह? अरे छोड़ ना, सुन ले ध्यान से, अच्छे से समझ में आ जाएगा। 50 बार डायग्राम बनाओगे तो इसको करोगे क्या डायग्राम को? अगर बेटा सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो उस कॉर्ड को वो दो पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देता है। इस कॉर्ड की टोटल लेंथ कितनी थी? 8। 8 को ये बेटा 4 बना देगा, इसको भी 4 बना देगा। लॉजिक इतना समझ में आया? अब फिर से वही कहानी यार, ये छोटा सा ये देखना बेटा, ओ सी ए ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है बच्चा? अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो कौन सी थ्योरम लगा सकते हो? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 90 के अपोजिट वाला होता है तुम्हारा हाइपोटेनस। तो मैं डायरेक्ट बेटा ए ओ का स्क्वायर करूंगा, वो इक्वल टू आएगा तुम्हारा ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। तुम्हारे पास में ये 5 दे रखा है तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू ओ सी, नहीं पता ओ सी बेटा बिल्कुल नहीं पता, ए सी पता है 4 है। 5 का स्क्वायर 25 होता है और 4 का स्क्वायर बच्चा 16 इधर लेके आएंगे, 25 माइनस 16 कितना आ गया? ये बेटा तुम्हारा 9 आ गया। अगर 9 इक्वल टू ओ सी स्क्वायर है, यहाँ से अगर मैं ओ सी निकालूंगा तो वो 3 सेंटीमीटर आने वाला है। ओ सी कितना आया? एक बात बताओ, ओ से लेके डी तक टोटल लेंथ कितनी है? 5 है ना, रेडियस ही तो है। सेंटर से कभी भी सर्कमफेरेंस तक जाओगे तो रेडियस ही तो होती है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है? जब ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक 5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी, ये भी, कहीं भी जाओ बेटा सेंटर से सर्कमफेरेंस तक वो रेडियस होती है। अगर ये टोटल 5 है तो ये अगर 3 है तो ये कितनी बची? तो नेक्स्ट हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सी डी, सी डी इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ऐसे ही किया था, जल्दी करो नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा, चेंज करें, जल्दी करो जल्दी करो, बहुत स्पीड में क्वेश्चन लिखो, है ना, ऑप्शन मान लिखना, जल्दी जल्दी लिख बेटा, स्पीड में लिख के धीरे धीरे लिखती है, छूट जाएगा पेपर। जितना ज़्यादा लिखोगे, जितनी स्पीड में लिखोगे तो लर्निंग पावर भी अच्छी होगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है ना इतना ढेर सारा SST वगैरह में इतना या इंग्लिश में इतना पढ़ के जाते हो, जब लिखने बैठते हो तो इतना रह जाता है, वर्ड नहीं आते हैं कब क्या लिखें, खत्म हो जाता है। इसलिए लिखने की हैबिट डालो जबरदस्त, क्योंकि बिना लिखे तो कुछ होना नहीं है। आगे जाके सबको कॉलेज में जाना है, कॉलेज में तो अच्छा खासा भरना पड़ता है, बहुत कुछ बड़ा पेपर आता है, खूब लिखना पड़ता है डिटेल में चीज़ों को। कहाँ पे बेटा दे रहो, ए बी इक्वल टू 12 दे रखा, बी सी ये दे रखा, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, अरे यार कुछ, हाँ ध्यान से देखो ना, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर है ना, ये मैंने कराया हुआ है, हाँ बेटा टेस्ट में भी दिया है ना, जल्दी करो। देखो बेटा, जिन बच्चों को आ गया अच्छी बात है, जिनका डायग्राम नहीं बन रहा ध्यान से सुनना,
तो मेरे से बोला गया कि एक ट्रायंगल, वो सॉरी एक सर्कल है। तो पहले तो बच्चा मैंने एक सर्कल बनाया, लो ये बना दिया, ये सर्कल बन गया। इस सर्कल में बोला है उसने ए बी इक्वल टू 12 है, बी सी इक्वल टू 16 है, तो कौन बड़ा है इन दोनों में बेटा? बी सी बड़ा है, बी सी थोड़ा सा बड़ा है। कहता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी है। मैं ऐसे ही रेंडमली पॉइंट लिखता हूँ, सपोज ये वाला पॉइंट मैंने ऐसे ले लिया कि ये ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं बेटा ये बी पॉइंट है, और जो सी पॉइंट है ना, सी मैं मान लेता हूँ क्योंकि बी सी बड़ा है, तो मैंने सी पॉइंट यहाँ कहीं ले लिया, चलो मैंने यहाँ ले लिया सी पॉइंट, कोई भी ले लिया थोड़ा दूर पे। ये बी पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हारे पास में हो गया ए बी। ए बी और जो बी सी है उसके बीच में एंगल कितना बन रहा है? ये बेटा 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है, ये एंगल 90। सारे बच्चे ध्यान रखना, अगर दो कॉर्ड 90 डिग्री बना रहे हैं, अगर दो कॉर्ड 90 डिग्री बना रहे हैं ये, तो पक्का बेटा ये जो एसी है वो सेंटर से पास करके मजबूरी है इसकी जाना, सेंटर से पास करते हुए जाएगा। कौन सी थ्योरम है? सेमी सर्कल वाली थ्योरम याद है कि सेमी सर्कल पे, क्योंकि ऐसे करके तुम्हें रटाया गया था कि बेटा अगर सेमी सर्कल से तुम ऐसे एंगल बनाते हो तो जो भी कॉर्ड बनेंगे तो उनका एंगल हमेशा, चाहे ऊपर बना दो कैसा भी बनाओ, देख छोटू हमेशा कितना एंगल रहेगा इनका, ये सारे ही 90 90 90 90 90 रहेंगे, ठीक है? ये थ्योरम होती है, तो यही थ्योरम मैंने अप्लाई करी, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। अब आगे देखो क्या कहता है, इसने 12 बोला ए बी है तो मैंने इसको 12 लिख दिया, ये बेटा बी सी था 16। क्या तुम लोग ये राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते? हाइपोटेन्यूस क्या है इसमें? 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है तो ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, निपटा दो जल्दी। तो मैं लिखूंगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी निकालना है, ये है 12 का स्क्वायर प्लस बी सी, बी सी 16 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर बेटा 144 होता है, 16 का कितना होता है? 256 होता है, दोनों को ऐड किया कितना बन गया बेटा? और 400 किसका होता है? 20 का होता है बेटा, तो ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर होगा ना, प्लस माइनस मत लिखना, सिर्फ प्लस लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर कहाँ है इसमें ऑप्शन? अच्छा रेडियस पूछा है, रेडियस पूछा है ना बेटा, तो रेडियस तो इसका आधा होगा, तो मैं लिखूंगा देयर फोर ए ओ इक्वल टू 1/2 ऑफ 20, दैट इज 10 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। जल्दी करो, कितने बच्चों का सही था ये वाला क्वेश्चन? 1 2 3 ही बच्चों का सही था, क्या हो गया मैम? बेटा इस सारे बच्चों ने कर लिया, नेक्स्ट सवाल। चल बेटा ये तो गलत होना नहीं चाहिए किसी का, जल्दी करो, ये तो सबको आता है, वैदा ही सबसे पहले कर। हाँ आंसर नहीं बोलो बेटा, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तुम लोग आंसर चिल्लाने लगते हो ना, ये अच्छा नहीं लगता, ये तो डायरेक्ट सवाल है थ्योरम बेस्ड। क्या गलत आंसर बेटा? तुम्हारा गलत आंसर, पहली बात तो मैं बता दूं ये सेंटर है, ये सेंटर है, ठीक है? चलो मैं अब सुनो बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन बाद में लिखना, आप सारे बच्चे यहाँ देख लो, एक सेकंड के लिए लिखना बंद करो, यहाँ देखो। अगर तुम्हें एक कॉर्ड मिले, ठीक है, ऐसे आर्क, और अगर वो सेम आर्क से अगर तुम एक एंगल बना रहे हो बेटा, एक तो तुम सेंटर पे एंगल बना रहे हो और एक एंगल कहाँ बना रहे हो? सरकमफेरेंस पे। एक मैंने रिलेशन बनाया था कि अगर तुम सेंटर पे, सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है यहाँ पे बी है, अगर एक एंगल तुम ए बी बनाते हो और ये एंगल यहाँ बन रहा है, और एक एंगल बेटा इसी से सेम ए बी से तुम सेंटर पे यहाँ बनाते हो सर्कमफेरेंस पे, तो इन दोनों में बड़ा अच्छा सा एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? उसमें सेंटर वाला एंगल, अगर मान लो बच्चा यहाँ पे एंगल है तुम्हारा थीटा, तो यहाँ कितना होगा? 2 थीटा होगा, 2 होगा। अच्छा और सुनो, और सुनो मैम, एक और बनाओ अच्छे से, अच्छा आगे सुनो। हाँ ठीक है ठीक है, एक उधर से और बनाना। अच्छा देखो बेटा, अब मैं थोड़ा सा इसको चेंज करता हूँ। अगर मान ले बच्चा मैंने एक एक सर्कल ये बनाया और मैंने बोला कि ये एंगल जो है यहाँ पे है, और फिर इसी ए ने, ए बी ने
एक एंगल बनाया ये ओ पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, अब क्या रिलेशन होगा बेटा, अब क्या रिलेशन होगा? सेम चीज रहेगी। तुम कहोगे सर अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? सेंटर पे एंगल सरकमफेरेंस से डबल बनता है, लेकिन वो क्या है, ये जो तुम ले रहे हो ना पॉइंट, वो सेम पॉइंट होने चाहिए। आगे सुनो, अभी लिखो मत बच्चा, ध्यान से सुन ले। अगर मान ले बेटा मैं एक और सर्कल बनाता हूँ, थोड़ा गंदा सा, मैंने ये बनाया, अब की बार मैंने क्या किया, एक मैंने ऐसे किया और मैंने ऐसे कर दिया, डन। ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। कोई बच्चा मेरे को बताएगा अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या होगा? गलत आंसर। अब सुनो बेटा, इसमें क्या होगा, कुछ बच्चों के आंसर सही आ रहे हैं, कुछ के बिल्कुल मतलब समझ में नहीं आ रहा दुनिया में चल क्या आ रहा है। अगर ऐसा सीन होता है तो यहां पे रहती तो भाई थ्योरम है, थोड़ा सा उल्टा होता है, इस ये जो एंगल है इसका डबल नहीं होता है बल्कि इसके अपोजिट वाला होता है। तो अपोजिट में कितना है, अगर यहाँ थीटा है तो बाहर वाला कितना होगा, टोटल एंगल कितना होता है? 360। 360 में से, 360 में से थीटा माइनस कर दो तो बचेगा 360 माइनस थीटा। जो एंगल सेंटर पे बन रहा है उसका सरकमफेरेंस पे कितना बनता है? हाफ, हाफ बनता है ना। तो बेटा 360 माइनस थीटा अगर सेंटर पे बना रहा है तो यहाँ कितना बनाएगा? 360 माइनस थीटा अपॉन 2, दैट इज 180 माइनस थीटा बाई 2। समझ में आया कि नहीं? अगर किसको नहीं आया समझ में, आ गया ना? अच्छा, ये कंसेप्ट होता है बेटा। अब यही सेम सवाल था, ए बी लिया तो पहले मैंने सेंटर पे देखा, फिर मैंने देखा अच्छा सेम चीज है, अगर यहाँ 20 है वैसे ही यहाँ कितना होगा? खोदा पाड़ निकली चुहिया। ये 20 है तो ये कितना है बेटा? ये 40 है, बस खत्म कहानी। सारे बच्चे चाहो तो ये सारा लिख लो, ये खासकर रिफ्लेक्स वाला जरूर लिख लो, याद रहेगा। जल्दी करो, जल्दी करो, इसके बाद नेक्स्ट सवाल। तो इसका आंसर बता बेटा क्या हो गया? 40। नेक्स्ट सवाल करना, जल्दी करो, जल्दी देखो इस बच्चे। हाँ सुनो, ये भी करना नहीं है, ये कोई नहीं लिखेगा, सारे बच्चे देखना बेटा। ये क्या है? डायमीटर। अगर डायमीटर, जो डायमीटर होता है ना, वो उससे अगर तुम कोई भी एंगल बनाते हो कितना बनता है? 90। 90 ये तो डायरेक्ट थ्योरम है ना बेटा। तो आंसर क्या हो गया? सॉरी, ये कितना हो गया? 90। अच्छा आगे सुनो, आगे सुनो। उसने बोला कि एसी और बीसी इक्वल हैं। एसी और बीसी आपस में कैसे दे रखे? अगर बेटा ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, होगा। अगर तीनों का एंगल का मैं सम की बात करूं तो होता है 180, अगर ये 90 तो ये बच्चे कितने? 90। 90 का आधा आधा कर दो बेटा 45, तो ये वाला भी 45 है, ये वाला भी 45 है। अब पूछा क्या है तुमसे? सी ए बी, सी ए बी, तो 45 डी पार्ट करेक्ट आंसर। कर लो बेटा जल्दी से बनाओ। हाँ लिख लो, लिख लो बेटा, अच्छा लगता है। वो एक्चुअली क्या है ना, पहले कराए हुए हैं इसलिए तुम्हें जल्दी से हो रहे हैं, क्योंकि पहले मेरे को याद है कराया था पूरा, नहीं हो रहा था तुम लोगों से। जल्दी करो बेटा, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल। ये तो इसी में करना था डायग्राम में, है ना, इसको अलग से नहीं लिखना था। ये सवाल है बेटा, सारे बच्चे करना। अरे ये तो डायरेक्ट है, देख बेटा इसमें दे रखा है ओ ए बी इक्वल टू कितना है? 40। एक बात बताओ, जितनी लेंथ ओ से ए होगी उतनी तो ओ से बी होगी, क्यों होगी? क्योंकि रेडियस है। अगर ये लेंथ और ये लेंथ आपस में इक्वल है तो ये अगर 40 है तो ये कितना होगा? ये भी 40 होगा। अगर ये 40 ये 40 तो सेंटर पे कितना बचा? 100, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है ना। ये सेंटर वाला अगर 100 है तो बेटा ये जो ए बी है, ए बी वाला सेंटर पे बना रहा है 100, सेंटर पे बना रहा है 100, सर्कमफेरेंस पे कितना बनाएगा? हाफ, दैट इज 100 का आधा 50। कौन सा ऑप्शन है? ए पार्ट। जल्दी करो, डायग्राम ही बना लो बेटा, जल्दी करो, नेक्स्ट सवाल करेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चेंज करें, ये तो हो गया ना। चलो बेटा ये वाला करना, जल्दी करो, जल्दी करो, प्रॉपर डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ। हाँ हाँ कर लो ना, दोबारा कर लो बेटा। हाँ जल्दी करो,
एक चीज बार 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 करोगे ना तभी तो स्पीड बनेगी, ऐसे थोड़ी नहीं कि एक बार कर लिया छोड़ दिया। जल्दी करो, कोई नहीं ना। अरे यार यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो ना, ये 60 कर दो, कितना होना चाहिए वैसे? चलो 60 कर दिया, ठीक है मैंने 60 कर दिया। जो भी है देखो ये टोटल एंगल है, ये कितना दे रखा है, ये 50 है। तो पहले तो एक काम करते, पहले बनाओ, ट्राई तो करो, सारे बच्चे ट्राई करो तब बताऊंगा। कितने बच्चों का आंसर आ गया बेटा, हाथ उठाना एक बार, सारे बच्चों का आ गया। चलो मैं भी बता देता हूँ, सबसे पहले बेटा एक काम करते हैं, मेरे पास ए डी बी ट्रायंगल है ना, ए डी बी ट्रायंगल में वैदई, सीधे बैठो लेटना नहीं बेटा, सीधे बैठो। यहाँ देखो ए डी बी ट्रायंगल है ना बच्चा, अगर ये 60 है ये 50 है तो ये कितना होगा बेटा? देखो 50 60 ये मिला के कितना हो गया, 110। तो ऊपर कितना बचा? ये 70 डिग्री बचा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तुम्हारा आना चाहिए 180 डिग्री। अगर बेटा अगर मैं ए बी एक कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, जितना एंगल वो डी पे बनाएगा उतना ही एंगल तो सी पे बनाएगा, क्योंकि एक कॉर्ड से अगर एक कॉर्ड में ले लूं उससे जितने भी तुम एंगल ड्रॉ करते हो ऐसे, वो सारे के सारे एंगल बेटा इक्वल होते हैं, सारे के सारे इक्वल होते हैं, तो ये भी 70 रहेगा। अब क्वेश्चन पढ़ो, ए सी बी पूछा, ए सी बी तो आंसर क्या है? सी पार्ट। समझ में आया? अगर ये थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये भी बच्चा थीटा होगा, अगर ए बी तुम्हारे पास कॉर्ड है। जल्दी करो नेक्स्ट सवाल, चेंज करें, ये तो सारे बच्चों ने कर ही लिया खुद से, वेरी गुड। चलो बेटा इसको भी कर लो, निपटा दो, खत्म करो। सुना बेटा, अब हो गया है, ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा कुछ बेटा, सर्कल के अंदर में एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, लेकिन कुछ कंडीशन दे रखी। कहता ए बी एक डायमीटर है, मैंने ए बी बेटा एक डायमीटर बना दिया, ये ए बी एक डायमीटर है। आगे सुनो, आगे बोलता है ए डी सी, चलो मैं ऐसे ही नाम लिख दे रहा हूँ, ऐसे 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 मैंने कुछ कर दिया बेटा, ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटर सच दैट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल सरकमस्क्राइबिंग इट। अच्छा ए डी सी एंगल, ए डी सी ए डी सी ये एंगल कितना है बेटा? ये तुम्हारा 140 डिग्री गिवेन है। बी ए सी एंगल पूछा है, बी ए सी ये एंगल पूछा है बेटा, ये वाला एंगल पूछा है, तो मैंने इसको ज्वाइन करा दिया। कौन सा एंगल पूछा है? ये एंगल पूछा है। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कहाँ हम कहाँ से कर सकते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ देखेंगे कैसे बेटा, दोबारा बोल रहा, ठीक है उससे बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही तरीका है, डायग्राम भी ऐसे ही बनाया होगा कुछ। देख बेटा सबसे पहले जैसे ही तुमने देखा कि ए बी एक डायमीटर है, ए बी डायमीटर है, तो बेटा ए सी बी एंगल कितना हो गया? ये 90। अच्छा बेटा ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये होती है कि उसके जो अपोजिट एंगल होते हैं उनके एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो अगर ये 140 है तो इसके अपोजिट वाला कितना होगा? 40 होगा, ठीक है, अपोजिट एंगल का सम 180। अच्छा ये 90 ये 40 तो ये कितना बचा? ये बेटा 50, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर, इसमें लिखने की जरूरत है कि समझ में आ गया? बोलो बेटा आ गया ना, तो नहीं लिख रहा हूं मैं कुछ भी। आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल की दुनिया में चलते हैं बेटा, चलो जल्दी करो, पहले पहले डायग्राम बनाओ, जल्दी करो डायग्राम बनाओ। चलो आगे देखें, इसका आंसर कितने बच्चों ने निकाल लिया, हाथ उठाओ,
बहुत बढ़िया बेटा, बड़ा आसान सा सवाल था, पढ़ते हैं। कहता है BC इज अ डायमीटर। अगर बेटा BC है कहाँ, ये रहा BC डायमीटर है। कहता है BAO 60 है, BAO ये एंगल पूरा 60 है, ये पूरा 60 है। ADC पूछा है, ADC पूछा, ADC पूछा है, और क्या गिवन है, कोई इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा? अच्छा एक सेकंड के लिए सुनना। सेंटर से जितनी लेंथ बेटा ओ ए होगी उतनी ही लेंथ तुम्हारी ओ बी होगी। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ठीक है? अगर ये 60 तो ये सेंटर पे कितना बचा? अरे बेटा ध्यान से सुनो ना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये 60 तो ये 60 बचा ना। अच्छा आगे सुनो, अगर ये 60 तो इसके बगल वाला कितना, ये लीनियर पेयर से सोचो, 120 120, ठीक है? अब मैंने ले लिया ए बी एक, ए बी बेटा ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है 120, ए बी सेंटर पे एंगल बना रहा है 120, और ए बी बेटा सर्कमफेरेंस पे एंगल कितना बनाएगा? वेरी गुड, यही तुमसे पूछा, तो 60 इज द करेक्ट आंसर। कहाँ पे बेटा? ए सी, ए सी भी, ये तो ज्वाइन भी नहीं है ना। गलत नहीं होगा, नहीं, गलत बोल रहे बेटा, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी गलत है। तुम बता रहे हो सर यहाँ पे इसको पहले ज्वाइन करा दो, है ना? ज्वाइन तो अब बताना कौन सा बता रहे, दोबारा बोल बेटा। ए तुम एक सेकंड, ए बी और बेटा एक ले लिया तुमने सी बी, ठीक है बच्चा? ये अच्छा, ये तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर ये जो एंगल है यहाँ पे बना रहा है 60 तो यहाँ बनाएगा 120। हाँ ठीक है, फिर मैंने भी तो यही किया। यहाँ पे 60 बना रहा है, अच्छा ये भी तरीका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, दोनों ही तरीके सही हैं। एक तो ये तरीका समझ में आया, अब दूसरा सुनना सारे बच्चे, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, तीन तरीके बताऊँगा। एक तरीका तो हो गया जो मैंने अभी अभी बताया था, अब दूसरा सुनना। ये एंगल कितना था? अगर ये 60 तो ये भी 60 है। अब ये वाला बेटा ले लो, AC पॉइंट लिए, पूरा सुनो, AC पॉइंट एक B पॉइंट पे कुछ एंगल बना रहा, कितना बना रहा? 60। और AC बेटा D पॉइंट पे कितना बनाएगा? वेरी गुड, तो एक आंसर ये, यहां से भी तुम डायरेक्ट 60 बोल सकते हो। आगे सुनो, एक ये समझ में आया? अच्छा अगर ये 60 बना रहा है तो यहां कितना बनाएगा? देखो ये यहां से देखो, इसी चीज से ये बना रहा है, सेंटर पे कितना बना रहा है, जो भी बनाएगा, एक ये देखो फिर एक ये देखो, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना बनाएगा? यहाँ 120, यहाँ 120 तो यहाँ कितना होगा? तीन तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के, तीनों ही सही है। समझ में आ गए सारे बच्चों को कि नहीं? करो बेटा जल्दी करो, जल्दी लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है? नेक्स्ट सवाल करो, ये सवाल रहा बिल्कुल आसान है, देखो जल्दी करो। देखो क्यों परेशान कर रहे बेटा, मत करना वैदे। अच्छा सुनो सारे बच्चे, इसका तो आंसर आ गया होगा ना ज़्यादातर बच्चों का। देखो ये पूछा क्या, मैंने पढ़ा भी नहीं यार, CAO ये वाला एंगल पूछा है बेटा, ये वाला। देखो ऐसे कर सकते सारे बच्चे, ध्यान से देखना, ए बी सेंटर पे कितना बना रहा है बेटा, तो यहाँ कितना बनाएगा? वेरी गुड, आधा बनाएगा, तो ये वाला बन गया कितना बेटा? 45 डिग्री। आगे सुनो, अगर ये 30 है, ये 45 है, तो ये कितना आया, तुम्हें चाहिए क्या? यही चाहिए था, ये कितना आ गया बोलो बेटा? सी, अच्छा CAO चाहिए, ठीक है ठीक है, CAO चाहिए, थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ बोलो,
ओ ए और ओ बी रेडियस है। ये लड़का क्या बोल रहा है ध्यान से सुनना, ये पूरा और ये पूरा रेडियस है बेटा, यहाँ 90 है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा? पूरा ये दोनों आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों 45 45 होंगे। ये वाला एंगल अगर तुम्हारा 45 डिग्री है, ये वाला भी एंगल बच्चा 45 डिग्री होगा। एक चीज़ तो ये मिल गई। अब आगे सुनो, ये टोटल एंगल कितना बन रहा था अभी? देखो ये एंगल है इतना 30 है बेटा, ये 45 है, 30 45, तो ये टोटल कितना बन रहा था? 105। 105 में से 45 माइनस करो तो क्या आ गया? तो 60 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? कौन सा कंसेप्ट लगाया? देखना बेटा, मैंने सबसे पहले देखा कि अच्छा ये वाला एंगल है तो यहाँ 90 है, तो ये 45 होगा, ये भी 45 होगा। इसके बाद देखा मैंने कि ये 45 है, ये 30 है, तो ये कितना बचेगा? 105। 105 में से 45 माइनस कर दिया, सी पार्ट करेक्ट आंसर। चलो बेटा तुम लोग निकलो सारे बच्चे।